ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हमने लास्ट लेक्चर में इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन देखा था, बहुत ही अच्छी तरह से हमने ये सीखा था, एक्सप्लेन भी किया था, मे बी आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत सारे हमने लाइफ डेली लाइफ के एग्जांपल्स देखे, क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। उसके बाद इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन में से हमारा फर्स्ट पॉइंट है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसका ही ये सब पॉइंट है, इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन का फर्स्ट सब पॉइंट है ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मीन्स इवोल्यूशन होते वक्त कुछ और, पहले एक ही ऑर्गेनिज्म था, उसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनिज्म्स के ब्रांचेस हो गए, पहले ये था, उसके बाद इस तरह से ब्रांचेस हो गए, नेक्स्ट इस तरह से कंटिन्यूसली क्लासिफिकेशन होता गया और पॉपुलेशन भी बढ़ता गया और ऑर्गेनिज्म्स बहुत सारे तैयार होते गए, इस तरह से क्लासिफिकेशन बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो, पहले ये सिंगल ऑर्गेनिज्म था, पहले ये पहले सेल तैयार हुई, उसके बाद यहाँ नंबर ऑफ, अगर इसको पूरा का पूरा बढ़ाओगे तो ये नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इस तरह से अराइज करेंगे। मीन्स इसका मतलब क्या है, सपोज ये वाला यहाँ एक एंसेस्टर है, तो सपोज यहाँ के इसे कंटिन्यूसली हमने इस तरह से क्लासिफाई किया, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है इसका एंसेस्टर कौन सा होगा, यस ये कॉमन एंसेस्टर होगा इसका, और यहाँ से ये पूरा वाला बड़ा चार्ट हमने बना दिया, तो इसका कॉमन एंसेस्टर कौन सा होगा, ये। तो इसका मतलब हम सभी ह्यूमन बीइंग एक ही कॉमन एंसेस्टर के हैं, सभी कैट एक ही कॉमन एंसेस्टर के हैं, सभी अगर अब अलग अलग दिख रहे हैं, क्योंकि डॉग का एग्जांपल लिया, तो अब हमारे नॉर्मल टेम्परेचर में अलग टाइप के डॉग्स हैं, हाई टेम्परेचर में डॉग अलग कंडीशन के दिखाई देंगे, कोल्ड टेम्परेचर में डॉग आपको अलग कंडीशन के दिखाई देंगे, मीन्स ज़्यादा हेयर प्रेजेंट है उनके बॉडीज पर, ठीक है। मीन्स डॉग एक ही एंसेस्टर के हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट उन्होंने खुद में क्या किए हैं, मॉडिफिकेशंस किए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है सभी कॉमन एंसेस्टर के हैं। तो यहाँ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को अगर हमें स्टडी करना है, तो पहले हमें कॉमन कैरेक्टर को जानना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स हम सब ह्यूमन बीइंग एक ही एंसेस्टर के हैं, ऑब्वियसली एक ही एंसेस्टर के होंगे, क्योंकि हम मैमेलिया क्लास में से है, वर्टिब्रेटा क्लास में से है, एनिमेलिया क्लास में से, लेकिन हम में और डॉग में कुछ फ़र्क है ना, दोनों भी हम एनिमेलिया ही हैं, लेकिन उस एनिमल में और हम में बहुत फ़र्क है, हम और लिजार्ड एक ही एनिमेलिया किंगडम के हैं, लेकिन हम दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, हमें डिफरेंसेस एज वेल एज सिमिलैरिटी दोनों को भी आइडेंटिफाई करना है, और अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटी एज वेल एज डिसिमिलैरिटी हम सब ऑर्गेनिजम्स को हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है, जैसे साइंटिस्ट ने किया, ठीक है। तो यहाँ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें आइडेंटिफाई करना है, तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में सिमिलर कैरेक्टर हो सकते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, बर्ड, बैट, लिजर्ड, सभी अलग अलग है, कौन कौन से, यहाँ एग्जाम्पल हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है, फ्रॉग, बर्ड, ह्यूमन, लिजर्ड, ये दिखने में भी बहुत अलग अलग है। फ्रॉग पता है आपको, यस इट इज ए वन ऑफ द टाइप ऑफ एम्फीबियन, फ्रॉग, ओके। बर्ड पता है आपको, एरियल, ह्यूमन, हम और लिजर्ड जो वॉल पर रहते हैं, ये चारों को आपने आगे रखा और सभी को एट ए टाइम देखा, तो क्या सिमिलरिटीज आपको नजर आती है इनमें, कोई भी सिमिलरिटी आपको डायरेक्टली नजर नहीं आएगी, लेकिन ऑल आर किंगडम एनिमेलिया, सभी क्या है एक ही किंगडम में आते हैं, लेकिन सब में सिमिलरिटी दिखती तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सब में सिमिलरिटी क्या है, यस दे आर मल्टी सेल्यूलर एज वेल एज यूकैरियोट्स एज वेल एज लोकोमोशन कर रहे हैं, और सभी में सेल वॉल एब्सेंट है, ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन उसके बाद और क्या कॉमन है इनमें, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म सिमिलर कैरेक्टर्स कैरी कर रहे हैं, कैरेक्टर कैरी कर रहे हैं, तो क्या सिमिलर है उनमें, बिकॉज दे इनहेरिटेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, क्यों इन सभी में एक ही कैरेक्टर है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये सभी कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल आर अराइजेस फ्रॉम वर्टिब्रेटा, सॉरी कॉर्डेटा, ऑल आर अराइजेस फ्रॉम
कॉर्डेटा से सभी आए हैं इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स रेप्टाइल्स एम्फीबियंस, ओके। तो यहाँ बर्ड रेप्टाइल कौन है बताइए मुझे, यहाँ चारों में से रेप्टाइल कौन है? यस, लिजार्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेप्टाइल्स। एम्फीबियन कौन है? यस, फ्रॉग। और ह्यूमन क्या हुआ फिर? मैमल, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैमल। तो इन चारों में क्या है? सिमिलैरिटी है इन चारों में, क्या है? ये ऑर्डर है, अलग अलग ऑर्डर, फ्रॉग एम्फीबियन बर्ड बर्ड एव्स बोलते हैं उसे, एव्स क्लास मैमिलिया, सॉरी ऑल सभी के क्लास है, क्लास एव्स, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एम्फीबियन, क्लास मैमिलिया, ठीक है। तो ये सभी चारों एग्जांपल्स हैं। तो इनमें क्या सिमिलरिटीज है? कुछ भी सिमिलरिटी आपको नजर नहीं आती है, लेकिन इनके अगर लिम्स का स्ट्रक्चर देखा जाए, एक बार आपने टेक्स्ट बुक में देख लीजिए, मुझे लिम्स यहाँ ड्रॉ नहीं करने आते, तो टेक्स्ट बुक में देख लीजिए इस पॉइंट में, पॉइंट नंबर 9.51, कौन सा पॉइंट? पॉइंट नंबर 9.5.1, ये पॉइंट देख लीजिए। तो इस पॉइंट में फोर डायग्राम्स दी गई है, कौन कौन से? फ्रॉग का लिंब दिया है। अब लिंब भी दो टाइप्स के हैं, एक है फोर लिंब और दूसरा है हैंड लिंब। फोर लिंब का मतलब क्या है? हाथ। हैंड लिंब का मतलब क्या है? पैर। हैंड मतलब हाथ नहीं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, फोर लिंब का मतलब हाथ, हैंड लिंब का मतलब पाया, हैंड H-I-N-D, हैंड नहीं, हैंड लिंब H-I-N-D, ओके। तो फोर लिम्स मीन्स हाथ, हैंड लिम्स मीन्स पैर, ओके। तो यहाँ इन चारों के फोर लिंब में डिफरेंस है, सॉरी कुछ सिमिलरिटी है कुछ डिफरेंस है, ओके। तो यहाँ ये चारों एग्जांपल्स हम देखेंगे स्पेसिफिक पॉइंट में, दैट इज होमोलोगस ऑर्गन में, दैट इज होमोलोगस ऑर्गन्स। तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में, दैट इज अ होमोलोगस ऑर्गन्स, होमोलोगस ऑर्गन्स। तो व्हाट इज मीन बाय होमोलोगस ऑर्गन्स? सिमिलर इन ओरिजिन बट डिफरेंट इन फंक्शन, सिमिलर इन ओरिजिन बट डिफरेंट इन फंक्शन। क्या है इनमें सिमिलरिटी? क्या है? ये एक ही ओरिजिन के हैं, और डिफरेंस क्या है? फंक्शन उनका अलग है। फॉर एग्जाम्पल ये एक चार्ट मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, आपको ये भी ये ड्रॉ करके लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है इस चार्ट में। ओके, तो यहाँ हमारे टेक्स्ट बुक में खाली चार ही एग्जाम्पल्स थे, बर्ड, फ्रॉग, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। ओके, तो यहाँ एग्जाम्पल्स क्या दिया है? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सील, ये क्या है? यस, इट इज अ टाइप ऑफ फिश। बर्ड, एव्स। बैट, मैमल। हॉर्स, मैमल। मैन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मैमल, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं। तो इनके ये सभी क्या है? फोर लिम्स है, ये सभी क्या है? इनमें फोर लिम्स है। सील के फ्लिपर्स, सील के फ्लिपर्स, फॉर एग्जाम्पल ये सील है और ये इसके क्या है? फ्लिपर्स, ये फ्लिपर्स। तो ये सील क्या कर रहा है? इन फ्लिपर्स का यूज, इन्हें हम क्या बोलेंगे? ये फोर लिम्स का मॉडिफिकेशन है, फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू द फ्लिपर्स, ओके। तो ये फ्लिपर्स क्या कर रहे हैं? स्विमिंग कर रहे। ऑल आर सिमिलर इन ओरिजिन, मीन्स फ्लिपर के, मीन्स सील के ये फ्लिपर्स फोर लिम्स है। बर्ड्स के जो विंग्स हैं वो भी मॉडिफाइड विंग्स है, बर्ड्स के ये जो विंग्स हैं ये क्या है? मॉडिफाइड विंग्स है, मीन्स फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इन टू द विंग्स, फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इन टू विंग्स। तो विंग्स बर्ड्स के। बैट के पेटेजिया, मीन्स बैट को आपने देखा होगा, तो बैट ये बहुत बड़े इस तरह के
विंग से कवर होता है, छोटा सा बैट होता है और इस तरह से वो पूरे पटाजिया से अपने खुद को कवर करता है। ठीक है, बहुत बड़ा होता है। ये डायग्राम देख लीजिए एक बार, इट इज कॉल्ड एज एन पटाजिया। ठीक है, हॉर्स के फोर लिम्स ज्यादा इलोंगेटेड होते हैं। हॉर्स तो आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत बड़े फोर लिम्स होते हैं। नेक्स्ट, मैन के हाथों के जो थंब है वो पूरे के पूरे इन चारों फिंगर्स से अपोजिट है। इट इज कॉल्ड एज अ थंब अपोजिबल, इट इज कॉल्ड एज अ थंब अपोजिबल। ठीक है, तो यहाँ ये सभी जो यहाँ लिख दिए हैं, दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लिम्स। बट ये सभी पहले क्या थे? फोर लिम्स ही थे, बट अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, वो कहाँ रहते हैं इसके हिसाब से उन्होंने खुद के फोर लिम्स में क्या किए हैं, मॉडिफिकेशंस किए हैं। मींस सील ने फोर लिम्स का कन्वर्जन किस में किया? फ्लिपर्स में। और वो अब क्या फंक्शन कर रहा है? स्विमिंग का फंक्शन कर रहा है। मींस मैंने यहाँ क्या बताया था, सिमिलर ओरिजिन, मतलब किसके किससे ओरिजिनेट हुए हैं ये फोर लिम्स से, बट डिफरेंट इन फंक्शन। बट सभी का फंक्शन डिफरेंट है। क्या क्या फंक्शन डिफरेंट है? सील में फ्लिपर्स स्विमिंग कर रहे हैं, ओके। बर्ड्स में विंग्स क्या कर रहे हैं? फ्लाइंग कर रहे हैं। बैट में पटाजिया ये सपोर्ट के लिए ट्रीज पर रहते हैं, सपोर्ट के लिए प्लस फ्लाइंग का पर्पस रोल प्ले कर रहे हैं। हॉर्स के लिम्स बहुत ही इलोंगेटेड होते हैं और वो रनिंग के लिए उस हैंड लिम्स का यूज कर रहे हैं। हम रनिंग के लिए किसका यूज करते हैं? इस फोर लिम्स का वो रनिंग के लिए यूज कर रहा है, लेकिन हम रनिंग के लिए अपने पैरों का यूज करते हैं, दैट इज अ हैंड लिम्स। मैन अपने हाथों का यूज ग्रास्पिंग के लिए कर रहा है, मींस कुछ ना कुछ पकड़ने के लिए कर रहा है। ठीक है, और लिखने के लिए एनी, खाना खाने के लिए, लेकिन इस तरह से खाना खाते वक्त भी हम इस तरह से फूड को पकड़ते ही है, फ्रूट फूड जो भी हो। ठीक है, तो ये है होमोलोगस ऑर्गन्स, दैट इज सिमिलर इन ओरिजिन बट डिफरेंट इन फंक्शन। ये पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना ही है। व्हाट इज मीन बाय होमोलोगस ऑर्गन्स? दोज ऑर्गन्स आर सिमिलर इन ओरिजिन बट डिफरेंट इन फंक्शन कॉल्ड एज होमोलोगस ऑर्गन, कॉल्ड एज होमोलोगस ऑर्गन। समझ में आ रहा है? होमो मीन्स सिमिलर, लोगस मीन्स दिखते हैं, एक जैसे दिखने वाले ऑर्गन्स, बट उनका फंक्शन क्या है? अलग। सिमिलर दिखते हैं लेकिन फंक्शन अलग है, एक जैसे दिखते हैं फंक्शन अलग, मीन सिमिलर इन ओरिजिन डिफरेंट इन फंक्शन। बहुत बार ये आपको रिपीट करना है, व्हाट इज मीन बाय होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एन एनालॉगस ऑर्गन। नेक्स्ट एग्जांपल, एनालॉगस ऑर्गन, सेकेंड पॉइंट, एनालॉगस ऑर्गन एनालॉगस का मतलब क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मींस डिफरेंट इन ओरिजिन बट सिमिलर इन फंक्शन, इसका मतलब क्या है? आप उसके करेक्ट अपोजिट, डिफरेंट इन ओरिजिन बट सिमिलर इन फंक्शन, इन फंक्शन कॉल्ड एज एनालॉगस ऑर्गन। एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, होमोलॉगस या एनालॉगस का उसके अपोजिट करेक्ट दूसरा है। तो यहाँ ओरिजिन अलग अलग है लेकिन उनका फंक्शन क्या है? सेम। अब यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट के विंग्स और बर्ड्स के विंग्स आपने बहुत बार देखा है। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ड्रोसोफिला आपने देखा है, फ्रूट फ्लाई नहीं, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बटरफ्लाई तो आप सभी ने देखा होगा। ठीक है, तो बटरफ्लाइज के विंग्स और बर्ड के विंग्स ये दोनों भी अलग अलग ओरिजिन के हैं, मीन सिमिलर ओरिजिन के नहीं है। नॉट सिमिलर इन ओरिजिन, ऐसा भी आप लिख सकते हो, नॉट सिमिलर इन ओरिजिन बट सिमिलर इन फंक्शन। समझ में आ रहा है? ओरिजिन सेम नहीं है लेकिन उनका फंक्शन सेम है,
दैट इज विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ बर्ड, ये दोनों भी विंग्स ही हैं, लेकिन ओरिजिन अलग है. बट उनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन क्या है दोनों का भी? यस, फ्लाइंग इन एयर, फ्लाइंग इन एयर. विंग्स ऑफ इंसेक्ट, विंग्स ऑफ बर्ड्स आर डिफरेंट इन ओरिजिन बट सिमिलर इन फंक्शन, दैट इज अ फ्लाइंग. ये उन दोनों में से सिमिलर फंक्शन है. सेकेंड एग्जाम्पल, हैंड ऑफ मैन एंड ट्रंक ऑफ इलेफेंट. हैंड ऑफ मैन एंड ट्रंक का मतलब क्या है? उसकी सूंड. ये हैंड ऑफ मैन एंड ट्रंक ऑफ इलेफेंट. ठीक है, तो इन दोनों का फंक्शन क्या सेम है? नॉट सिमिलर इन ओरिजिन बट सिमिलर इन फंक्शन. क्या फंक्शन है? यस, हम अपने हाथों का यूज कुछ ना कुछ पकड़ने के लिए करते हैं, तो वैसे ही ये इलेफेंट खुद के ट्रंक का यूज पकड़ने के लिए करता है, ग्रास्पिंग करता है. ओके, तो ये भी एग्जाम्पल किसका है? यस, एनालॉगस ऑर्गन का. तो एनालॉगस ऑर्गन्स मीन्स डिफरेंट इन ओरिजिन, ऑर्गन्स आर डिफरेंट इन ओरिजिन बट सिमिलर इन फंक्शन, कॉल्ड एज एन एनालॉगस ऑर्गन. एंड होमोलॉगस का मतलब है सिमिलर इन ओरिजिन बट डिफरेंट इन फंक्शन. अगर कंफ्यूज हो रहा है तो खाली एक ही पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है. मे बी एनालॉगस को ध्यान में रखिए या होमोलॉगस को. होमोलॉगस ज़्यादा ध्यान में रहेगा क्योंकि यहाँ होमो का मतलब सिमिलर, लॉगस मीन्स ऑर्गन. सिमिलर ऑर्गन है बट सिमिलर ओरिजिन के हैं बट डिफरेंट इन फंक्शन. सिमिलर ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन, या सिमिलर पहले वर्ड आ रहा है ना, तो होमो मीन्स सिमिलर, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एज वेल एज ओरिजिन एंड डिफरेंट इन फंक्शन, कॉल्ड एज एन होमोलॉगस ऑर्गन. ये ध्यान में रहा तो दूसरा पॉइंट उसके अपोजिट है, एक को ही आपको ध्यान में रखना है. बट एग्जाम्पल अलग अलग है दोनों के भी. तो यहाँ सील, बर्ड, बैट, हॉर्स, मैन, सभी के फोर लिम्स जो है, वो फोर लिम्स मे बी सील में फ्लिपर है, बैट में विंग्स है, सॉरी बर्ड्स में विंग्स है, बैट में पटाजिया, हॉर्स में हैंड ही है फोर लिम्स, मैन में भी हैंड्स ही है लेकिन थंब्स अपोजिबल. तो फंक्शन यहाँ क्या है? सील का, सील के फ्लिपर का फंक्शन, यस स्विमिंग. बर्ड्स में विंग्स का फंक्शन फ्लाइंग, बैट में पटाजिया का फंक्शन सपोर्ट एंड फ्लाइंग, हॉर्स इलोंगेटेड विंग्स कैरी कर, इलोंगेटेड फोर लिम्स कैरी करते हैं फंक्शन रनिंग, और मैन के अपोजिबल थम्स जो है फोर लिम्स के, वो क्या करते हैं? ग्रास्पिंग और होल्डिंग और राइटिंग, ईटिंग एक्सेट्रा. ओके, तो ये है होमोलॉगस ऑर्गन. और एनालॉगस ऑर्गन में बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स. बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस इज द इम्पोर्टेंट चार्ट फॉर एनटीएससी एज वेल एज आपकी थ्योरी के एग्जाम्स के लिए, एमसीक्यूज के लिए. तो विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट एंड बर्ड, हैंड्स ऑफ अ मैन एंड ट्रंक, ये दोनों में, इसमें और इसमें नहीं. ये पहला एग्जाम्पल क्या है? विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट, हैंड ऑफ मैन एंड ट्रंक ऑफ इलेफेंट. सभी एग्जाम्पल्स में भी आपको समझ में आए होंगे. अगर कुछ एग्जाम्पल एक्स्ट्रा आते हैं हमारे एमसीक्यूज के डिस्कशन में, तो वो भी मैं एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करूंगी. लेकिन ये था आज का हमारा पॉइंट, दैट इज अ होमोलॉगस एज वेल एज एनालॉगस ऑर्गन. नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा सेम इसी पॉइंट के अंदर, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अंदर, दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन एज वेल एज कनेक्टिंग लिंक. तो नेक्स्ट लेक्चर भी आपको अटेंड करना है. वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं और कनेक्टिंग लिंक कौन कौन से हैं ये देखने के लिए, तो जस्ट गुड बाय. ओके, स्टॉप.